असम के तिनसुखिया जिले के हुकानी गांव की रहने वाली 24 साल की उर्वशी मोरान की शादी को अभी 5 साल ही पूरे हुए थे। उनके पति प्रांजल मोरान 6 जनवरी को लिडो शहर के पास एक अवैध कोयला खदान में मजदूरी करने गए थे और अचानक लापता हो गए। कई दिन बाद उन्हें खबर मिली कि उनके पति की मौत हो गई है। 12 जनवरी को उनसे बात हुई थी। वे 2 दिन बाद माघ बिहू त्योहार पर घर आने वाले थे। उन्होंने मुझे बेटे का ध्यान रखने को कहा और उनकी चिंता करने को मना किया। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिली। फिर 2 फरवरी को हिरेन गोगोई नामक एक व्यक्ति हमारे घर आया। उन्होंने हमसे कहा कि प्रांजल मोरान का शव खदान में देखा है, उनका शव सड़ गया है, इसलिए लाना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोयला खदान में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए खदान मालिक ने हमें 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। कई और लोगों ने भी मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने प्रांजल के साथ जीवन बिताने के लिए शादी की थी, फिर उनके लापता शव को ऐसे कैसे छोड़ देती। मैंने उनसे प्यार करने के बाद शादी की थी, उन्हें भुला नहीं सकती। मेरे बेटे को भी बाद में उसके पिता के बारे में बताना पड़ता, इसलिए मैंने हर कीमत पर अपने पति के शव को खोजने की ठानी। अपने पति के शव की तलाश में उर्वशी ने पुलिस थानों के कई चक्कर लगाए। तिनसुकिया जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठी। यहां तक कि उन्होंने अपने 3 साल के बेटे को साथ लेकर हुकानी गाँव से करीब 500 किलोमीटर दूर गुवाहाटी जाकर धरना भी दिया। मैंने कितनी तकलीफ उठाई है आप सभी ने देखा है। अपने पति का शव खोजने के लिए गुवाहाटी जाकर धरना दिया। मेरे पति लिडो में काम करने के लिए गए थे, फिर उनकी मौत कैसे हो गई, उनका शव कहाँ गया, इन बातों का जवाब लेने मुझे गुवाहाटी जाना पड़ा। एक बार नहीं बल्कि मुझे 3 बार गुवाहाटी जाना पड़ा। वहाँ पैदल घूमती रही, पुलिस थानों में अनगिनत चक्कर काटे। 3 साल के बेटे को लेकर ट्रेन की जनरल बोगी में गुवाहाटी गई थी। इतनी तकलीफ उठाई तब जाकर मेरे पति का शव हासिल हुआ। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरी मदद की। पुलिस अधिकारियों ने भी मदद की और IGP सर ने बीते शुक्रवार को मेरे पति का शव मुझे सौंप दिया। तब जाकर हमने रिवाज के साथ यहां उनका अंतिम संस्कार किया। इस पूरे संघर्ष में उर्वशी के चचेरे भाई उमानंद ने उनकी काफी मदद की। उमानंद कहते हैं कि उर्वशी दृढ़ संकल्प और संघर्ष के चलते ही प्रशासन को बाध्य होकर प्रांजल का शव खोजना पड़ा। उर्वशी ने अपने पति के शव को खोजने के लिए कठिन प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक पति का शव नहीं मिलेगा वो संघर्ष करेंगी। इस संघर्ष के कारण ही वो अपने पति का शव खोज कर घर ला पाई। उनकी हिम्मत को आज सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया था जब स्थानीय प्रशासन ने उर्वशी को सरकारी योजनाओं का फायदा देने की बात कर हाथ खड़े करने की कोशिश की थी, लेकिन उर्वशी ने इन योजनाओं को लेने से इनकार कर दिया और गुवाहाटी जाकर आंदोलन तक किया। पुलिस ने NDRF और SDRF की टीम के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और इस तरह 83 दिन बाद प्रांजल का शव एक गहरी कोयला खदान से बाहर निकाला। दरअसल असम के DGP GP सिंह के साथ उर्वशी की मुलाकात के बाद शव को खोजने के अभियान में तेजी आई। पुलिस ने अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी इस घटना को कोयला खदान में हुई एक दुर्घटना बताते हैं, लेकिन उर्वशी अब भी अपना संघर्ष जारी रखना चाहती हैं ताकि वह अपने पति की मौत का सही कारण पता कर सकें।